नमस्कार। छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। बागबाहरा में कांग्रेस ने जनसभा का आयोजन किया है जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने भी शिरकत की। सीएम ने इस दौरान जनसभा को संबोधित भी किया। क्या कुछ उन्होंने कहा सुनाते हैं आपको। साथी मन, दीदी बहनी मन, युवा साथी मन, लड़का मन और पत्रकार मन, लगातार चुनाव प्रचार चलते बिलासपुर दूर रायपुर सब संभाग मन में जा था, सब विधानसभा में जा था, अपार उत्साह। ऐसा चुनाव में पहली बार देखा था जिन उत्साह सब आप मन के चेहरा दिखाई पड़ते पहली बार। प्रथम चरण के मतदान हो चुके हैं भाई मोहन मरकाम कोंडा गांव से, तीसरा बार चुनाव जीतने वाला है और पूरा 20 विधानसभा के मतदान हो है। पिछले समय 17 सीट जीते रहे 20 में, ये वक्त 20 के 20 जीत वो मतलब रमा सिंह के बोरिया भी स्तर दो राजनांद वाले होकर बोरिया भी स्तर बना के राजनांद वाले बाहर और बोरिया भी स्तर बनाना चाहिए। काबर के ऐसा कोई सगा नहीं जिसको रमन सिंह ने ठगा नहीं, सब लठगी से किसान लठगी से 2100 रुपया दू। अब भाई 2100 रुपया दूंगा, 2100 दे दिए 2100 बात करा से चुनाव साल में बोनस और 3 साल बोनस, चुनाव पहले राशन कार्ड, चुनाव बाद सत्यापन नाम से चक चक काटिस राशन कार्ड काटिस के नहीं काटिस राशन कार्ड। महिला मन आदिवासी मन है बड़े संख्या में, सब लोग जर्सी गाय दे हूं तेरी से बसंता केठा के कोठा मु गेरवा धर के टांग के रखे गेरवा सर गए लेकिन जर्सी गाय नहीं मिली बाणी बछरू। तो कोनो ऐसे नहीं जब ठगी स्त्री रमन सिंह केवल अपन उद्योगपति साथी मन। कोरिया जिले के चर्चा गैलरी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। इस मौके पर कोरिया और एमसीबी जिले के कांग्रेसी कार्यकर्ता भी भारी संख्या में मौजूद रहे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपको बता दें कि आने वाले 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश में दूसरे चरण का चुनाव होना है। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो वहीं आज कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैकुंठपुर विधानसभा में चर्चा कालरी पहुंचे। इस मौके पर छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकराम ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारी सरकार स्कूल खोलती है लेकिन बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल में हजारों स्कूलों को बंद किया है। बस्तर कवर्धा राजनांदगांव और महल मोहल्ला मानपुर 20 सीटों में पूरे सीट कांग्रेस जीत के आएगी और पहले चरण में कांग्रेस ने जबरदस्त उत्साह और बढ़त बनाई है और मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं कि पहला चरण में पूरे हमारे बस्तर के और बाकी हमारे जिले के मतदाताओं ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। खड़गे जी ने कहा है कि रमन सिंह को घर बैठाना है। बिल्कुल 18 में भी घर बिठा दिए और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आज आए क्यों नहीं। बिल्कुल खड़गे जी हमारे नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो जो आदेश करेंगे वही होगा। अब तीसरा है हमारे सीबीआई वाला, ये लोग अब हमारे कैंडिडेट कुछ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके रिश्तेदार हो, उनके दोस्त हो, उनके पार्टी के लोग हो, कोई भी अगर हमारे कांग्रेस पार्टी के हैं तो रात और रात उनके घर के ऊपर जाकर अटैक कर, ना कोविड पे निकले ना आपके दुख दर्द में शामिल हो गए ना किसी और फंक्शन में आए। अब उन्होंने हमारे पास बोलते कि ये मुंगली को क्या बोलते भाई, मुंगूस रहता ना
उसकी सूरत देखे तो अच्छा रहता बोलते ना, वैसा ये एमसीबी को नया डिस्ट्रिक्ट बनाया। किसने बनाया, कौन बनाया? अरे क्या भाई, फायदा भी लेते हो लेकिन बोलते भी नहीं। एमसीबी को नया डिस्ट्रिक्ट किसने किया? कांग्रेस ने किया। ऐसा जरा जोर से बोलो भाई, हमको भी जोश आता। जो चाहेंगे वो आएंगे और आकर जो हम वायदे आपको किए हैं वो वायदे पूरे हम निभाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। चाहे कोई भी हो हमारे तरफ से, कांग्रेस पार्टी जो वायदा करती है उसको हम निभाते हैं। ये कभी डरने वाले नहीं है। कोरबा में कांग्रेस ने विशाल जनसभा का आयोजन किया जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित किया। बीजेपी पर इस दौरान उन्होंने जमकर निशाना साधा। पहली बार इस जो शहर है कोरबा, यहां पर आया हूं और मुझे देखकर और भी खुशी हुआ कि आप सब लोग मिलकर एक होकर कांग्रेस को मदद करने का वायदा किया है और उस पार्टी को चुन के लाने का भी आपने इरादा रखा है। पिछले तीन चुनाव में भी ये आगे था और अभी हमारे अध्यक्ष ने कहा कि हमने चार में से तीन सीट जीते थे, अब इस बार चार के चार सीट हम जिता के देंगे, ऐसा उन्होंने अभी वायदा किया। ये जो वायदा है और ये चुनाव है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। ये इसलिए नहीं कि कोई एमपी बनता, कोई एमएलए बनता, कोई मंत्री बनता, कोई मुख्यमंत्री बनता। ये इसलिए जरूरी है कि आरएसएस और बीजेपी, इन लोगों ने प्रत्यक्ष में और अप्रत्यक्ष में आदिवासियों को दबाने का काम किया है, दलितों को दबाने का काम किया है, महिलाओं को कोई हक उनके पार्टी में ना उनके विचारधारा में है। बात तो बढ़िया करते हैं, उनके जो आरएसएस की विचारधारा है उसमें स्त्रियों के लिए जगह नहीं है और मनु के शास्त्र के मुताबिक स्त्रियां और अस्पृश्य लोग दूर रहना चाहिए, ना उनको शिक्षण मिलेगा, समानता मिलेगी, ना उनको सम्मान मिलेगा। ये जो विचारधारा उनके पास है उस विचारधारा को ही वो लोग बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम कांग्रेस के लोग गांधी जी से लेकर, नेहरू जी से लेकर। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के जशपुर में बगीचा में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। पहले मैं इस पवित्र धरती को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। जब मैं आया हूं तब माता सबरी, मां कुंदरगढ़ी और शीतल माता को भी प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता स्वर्गीय जुदेव जी को भी मनपूर्वक
प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत कर। ये पूरे क्षेत्र में राजा जुदेव जी ने अनेक वीर न केवल विकास के काम करे, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को सम्मान दिलाने का, उनकी सुरक्षा करने का काम भी राजा दिलीप सिंह जुदेव जी ने किया था। इस अवसर पर मैं शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गुंडादूर और संत गुरु घासीदास जी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव हो गया है। मैं कल रात को ही रायपुर में मीटिंग कर आया हूं। पहले चरण में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। बिलासपुर में वार्ड नंबर 17 शांतिनगर ठेठा डाबरी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमर अग्रवाल ने जनसंपर्क किया। इस दौरान विकास समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। तो आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशियों की तरफ से लगातार जनसंपर्क अभियान जो है वो किया जा रहा है। आपको बता दें कि अगले चरण के मतदान 17 नवंबर को होने हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टियां जो है वो अलग अलग तरीके से अपना जनसंपर्क अभियान कर रही है और जनता से जुड़ने की कोशिश कर रही है ताकि उनके पक्ष में मतदान किया जा सके। इसी को लेकर बीजेपी प्रत्याशी अमर अग्रवाल ने भी जनसंपर्क अभियान किया और इस दौरान विकास समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। आपको बता दें कि बिलासपुर में बीजेपी प्रत्याशी द्वारा यह जनसंपर्क अभियान किया गया है और इस अभियान के दौरान आम जनता से मुलाकात की गई बीजेपी प्रत्याशी अमर अग्रवाल द्वारा, और साथ ही साथ उन्होंने आम जनता से उनके वायदे जो बीजेपी द्वारा किए गए थे उनसे पूरे करने की अपील की। सरकार नहीं बनती अगर कांग्रेस की आप जहां खड़े हैं एक सुंदर कॉलोनी के रूप में होता, क्योंकि हम इसको मोर जमीन मोर मकान के तहत सबको एक व्यवस्थित कॉलोनी बनाया है हमने और इसको भी बनाने वाले थे। लेकिन चलिए, अब कमल की सरकार बनाएंगे लोग, उसके बाद मकान बनाएंगे। तीसरा, 1000 रुपये महीने की जो घोषणा की है, पूरे छत्तीसगढ़ में महिलाओं के बड़ा इसका व्यापक प्रभाव पड़ा है कि कोई सरकार है जो बहनों की सुन रही है। मुझे उम्मीद है इस कॉलोनी को मैं एक व्यवस्थित कॉलोनी के रूप में, पहले तो क्या एक पट्टे का विषय था, लेकिन अब पट्टे का भी कोई विषय नहीं है। उस समय सड़क बिजली पानी तो मेरे कार्यकाल से बना हुआ है, गहरा लगा हुआ, और आगे चुनाव में जब हम यहाँ पर खड़े होंगे ये ठेठा डबरी नहीं होगा, ये बिलासपुर शहर की अच्छी सुंदर कॉलोनी। बच्चे अपने चाचा से ग्राउंड की उम्मीद कर रहे थे, बच्चे अपने चाचा से ग्राउंड की उम्मीद कर रहे थे खेलने के लिए। अब ये कॉलोनी व्यवस्थित होगी, अगर कोई जमीन निकले तो वो भी बनवाएगा। बस यहाँ से मत निकाला, विकास मत हुआ। ये तो गंदगी है, पूरा हिमा कह रही है घर बने भैया, घर बनी तो नाली बंद है, अगर घर नहीं बनी तो नाली नहीं बंद। तो अच्छा तो घर बने, कच्चा मकान है, अगर मकान पक्का बने तो नाली खुद ना खुद बने। कहाँ पानी निकल ही नाली बंद हो जाएगा, पानी नाली में जाएगा तो सामने पानी जाएगा। तो 20 साल से तो है, 20 साल से है भैया, ये भी दूसरे की जगह तो जब लोग वोट मांगने आते हैं तो क्यों नहीं बोलते हो, तो फिर क्यों देते हो वोट? कोई गरीब आदमी को थोड़ा सा लालच दिखा दिए तो लालच में हो गए, ऐसे ही बोलते हैं। अरे तो लालच में क्यों आते हो भैया? आप लोग कहीं जाते हो तो आप लोगों को भी लगता है कि यहाँ जाएंगे तो ये चीज, तब तो हम लोग अपने घर बैठते बढ़िया चूड़ी उड़ी पहन के मस्त। उसी हम लोग को भी लगता है कि चलो इस दफे नहीं हुआ, अगले दफे होगा, अगले दफे नहीं होगा, अगले दफे। कितनी बार हो गया? यही तो बार होते हैं।
फिर आ रहे हैं वोट मांगने, तो फिर वोट मांगने आ रहे हैं। इससे पहले तीन बार जिताए थे ना, क्यों नहीं किए? अब जितना उसको हो सके उतना किया है, नहीं किया है बोलेंगे। रोड बनी नहीं है, रोड बनी नहीं है, बहुत किया है, आपको विश्वास है वोट कर देंगे? ये सब किया, हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं किया है, किया है, ये सब वही किया। हम लोग सब नाली नहीं है भैया, पानी नहीं है, आधा बस्ती में पानी आता आधा में नहीं आता, एक बात। और दूसरी बात, हमारे पानी बाहर से काटा है, हम बिनोचा में फेंक रहे हैं, उसका जमीन है, वो तो हम लोग रोक देगा, तो हम नाली कहाँ से निकालेंगे? तो हमको नाली जरूरी है। दूसरी बात है कि हमको मकान यहीं पे देना था, नान नान बाल बच्चा है, कहाँ से आएंगे, सियान आदमी कहाँ से आएंगे दूर से, तो हमको यही मकान बना के। अगर कहीं दूसरी जगह बड़ा मकान बना के देते हैं, बड़ा चाहे छोटा, तो हमको यही चाहिए। हम कहीं सियान मन के कहाँ जाए, वो बड़े मकान, बड़े मकान में जा है, बड़े मकान जा, बढ़िया वाले में, तो मकान में रहे बढ़ते थे, पैसा थोड़े उनका पैसा थोड़ा मिल, जानता जिन हाथ है आ रहे हैं उनको जानते हो? जो आ रहे हैं विधायक, उनका नाम कुछ जानते हैं? क्या नाम है? हमारे भैया कभी देखे हैं? 16 कब? कई पेट में देखे, कई पेट मिले हैं, ऐसे यहाँ भी आए, बस्ती में, बस्ती में आए। कितने बार आए होंगे? दो तीन बार आ गए भैया, हम बोले है ना बना के दूँ करके। प्लेन नहीं है वहाँ पर, सब लोग को खेलते नहीं मिलता है, और हम खेलते हैं वहाँ पर, बच्चे लोग ना आके बैठ जाते हैं, हमें खेलने भी देते हैं। और ऐसा कौन लोग नहीं खेलने देते हैं, और क्यों बैठ जाते हैं वहाँ पे? रायपुर में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकार वार्ता की। जयराम ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़वासी कांग्रेस के झूठ से बचे, कांग्रेस ने हिमाचल वासियों को भी ठगा है। जयराम ठाकुर ने भूपेश सहित कांग्रेस नेताओं के वीडियो दिखाए और कहा कि हिमाचल में भी झूठ बोलकर गए थे, इनकी बातों में नहीं आना है। हिमाचल छत्तीसगढ़ दोनों में कांग्रेस ने धोखा दिया है, ना छत्तीसगढ़ में वायदे पूरे हुए ना ही हिमाचल में, कांग्रेस झूठे वायदे करने में माहिर है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, नमस्कार।